चाईबासा पुलिस ने ब्राउन शुगर के गोरख धंधे से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। चाईबासा के SDPO दिलीप खलखो के नेतृत्व में गठित छापामारी दल द्वारा मुफसिल थाना के बासाटोंटो गांव के पास से पहले तीन आरोपियों रिचर्ड लोमगा, विशाल एक्का और दिलीप सामट को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी निशानदेही पर ब्राउन शुगर सप्लायर महिला लक्ष्मी सवैया को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा थाना के हरहर गुटू की रहने वाली है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल पुलिस अधीक्षक चाईबासा महोदय के गुप्त सूत्र के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। वो गुप्त सूचना था कि ब्राउन शुगर बेचने का, खरीद बिक्री का, इस तरह का सूचना मिली थी। तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ही छापामारी दल का गठन किया गया और बासा टोंटो में सनातन होटल के पास से हमें तीन आदमी लड़के लोग मिले और उसको सर्च करने के बाद उसके पास ही ब्राउन शुगर मिला था। कितनी मात्रा में ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ सर? उनके निशानदेही में एक महिला के पास भी हम लोग रेड किए, उसके पास भी मिला, तो टोटल अभी हमारे पास 50 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। तो मार्केट में क्या कीमत होगी सर इसकी अभी? मार्केट में कीमत इसमें हम लोग काफ़ी होगा, ज़्यादा है, काफ़ी है उसमें। हम लोग मार्केट रेट अभी तो क्लियर नहीं, तो 30-40 हज़ार के करीब की होगी। और बाकी हम लोग अभी चार लोगों को गिरफ्तारी किए हैं, तीन लड़के हैं, एक महिला है। तो क्या सर इसके गिरोह में जो सक्रिय है उनकी भी तलाश चल रही है? हाँ, इसमें अनुसंधान के क्रम और आगे हम लोग तलाश मैन जो है उसका हम लोग कोशिश करेंगे। जगन्नाथपुर प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत पड़ने वाले जैदगढ़ चाईबासा NH 75 में मुख्य मार्ग पर पट्टा जंट गांव के पास बाइक और पिकअप वैन की सीधी भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं पिकअप वैन का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल इलाज के लिए चंपुआ अस्पताल भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के रहने वाले 28 वर्षीय इमरान खान और 42 वर्षीय सलीम खान बाइक से अपने घर UP से लौट रहे थे। वे अपने चार साथियों के साथ चंपुआ में रहकर तिरपाल का फेरी करके बेचा करते थे। ओडिशा में कल से लॉकडाउन लगने की वजह से वे वापस घर लौट रहे थे। समाहरण नाले सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने जिला के विभिन्न समुदायों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वर्तमान परिदृश्य में कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने एवं इससे बचाव हेतु संचालित टीकाकरण मुहिम अंतर्गत सभी योग्य नागरिकों को टीका लेने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया गया। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्थायी टीका केंद्र से अवगत कराया गया। उपायुक्त ने बताया कि बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों से यह आह्वान किया गया है कि वर्तमान संकट काल के समय में जनसेवा की भावना से आगे आए एवं संचालित टीकाकरण अभियान में 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका केंद्र पर लाने एवं टीका लेने हेतु प्रेरित करें। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी से ये दरख्वास्त की, इस बार 60 लोगों को हुआ पर कोई भी सीरियस नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबका दो वैक्सीन हुई। हो सकता है इन्फेक्शन हो, आप पॉजिटिव हो, बट आप सीरियस नहीं है। आपको किसी भी तरीके की जागरूक है और शहरी एरिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, इससे उल्टा कहते हैं तो मेरे 900 लोग जो हैं वो रूरल एरिया में होते हैं, 100 लोग शहर में है और हम देख रहे हैं कि इसमें बीमारी फैली हुई है। सभी धार्मिक संस्थाओं और उनके गुरुओं के साथ एक बैठक की गई जिसमें ये आह्वान किया गया कि वे अपने सभी संगठनों के लोगों को सामने लेके आएं और जो भी 45 वर्ष से अबव हैं उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जा सके। उन सभी ने ये प्रण लिया है कि वो आने वाले दिनों में अपने सभी लोगों को लेके आएंगे और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। चाईबासा नगर क्षेत्र में हम लोग सदर अस्पताल, बिहारी क्लब सिंटोला, नगर पालिका कार्यालय, श्रद्धानंद विद्यालय, दुर्गा पूजा स्थल,
और स्कॉट विद्यालय में ये सुविधा उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही साथ चक्रधरपुर एरिया में हम लोग अनुमंडल अस्पताल में, रेलवे अस्पताल में, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में, कारमेल मध्य विद्यालय में तथा शिवलाल हरिजन प्राथमिक विद्यालय में इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध करवाई है। वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो 10 बजे से 5 बजे तक किया जाना है। इसको जैसा कि देखा जा रहा है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये 2 बजे के बाद वैक्सीनेशन नहीं होगा। सभी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए लोगों का बाहर निकलना जो है वो अलाउड है और वैक्सीनेशन जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज। झारखंड राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने आज कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु संचालित टीकाकरण अभियान में सम्मिलित होकर कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। टीका लेने के उपरांत मंत्री ने आमजनों से अपील किया कि वर्तमान समय में वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने का एकमात्र विकल्प है कि आप कोविड-19 का टीका लें। उन्होंने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है एवं संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को आवश्यक रूप से टीका लेना चाहिए। उन्होंने जिले वासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वैक्सीन से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वायरस संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा संचालित टीकाकरण मुहिम में शामिल हों। अभी वर्तमान में राज्य भर में 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है और हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम अपने परिवार एवं आस पड़ोस के सभी निर्धारित आयु वर्ग के लोगों को टीका लेने हेतु प्रोत्साहित करें। कोरोना महामारी से पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए कांग्रेस भवन में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। मंगलवार को झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। कंट्रोल रूम संचालन सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।